Various kinds of political parties were formed in Russia, but these parties were illegal because these parties were not given legal recognition by the Tsar Nicholas. जो parties illegal थी, पहली मैंने आपको बताई SDP, illegal का मतलब क्या होता है कि लोग parties में काम तो करते हैं, promotion करते हैं, लेकिन वो legal नहीं होता, है ना? जैसे हमारी country में 1947 से पहले HSRA भगत सिंह की रेवोल्यूशनरी पार्टी थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, तो ये इलीगल थी, ब्रिटिशर्स ने इसको किसी भी तरह से लीगल रिकॉग्निशन नहीं दी थी। तो लीगल रिकॉग्निशन किसको दी थी? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी इलीगल पार्टी उस टाइम पर में बनी। एक और पार्टी आपको याद रखनी है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, कौन से ईयर में बनी थी? 1900, ठीक है। तो आपको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ सकता है, उसका ईयर आ सकता है। आगे जाकर यही पार्टी टू पार्ट में डिवाइड हो गई, स्प्लिट हो गई। स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि पार्टी में कुछ लोग होते हैं, उनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती, तो वो अपनी अलग से पार्टी बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी लेटेस्ट एक पार्टी बनी है पंजाब में, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। कौन सी पार्टी बनाई? कौन सी पार्टी? हाँ, नाम कांग्रेस का ही है ना, कांग्रेस का ही नाम लिया, लेकिन उन्होंने अपनी सेपरेट अलग से पार्टी बनाई है, पंजाब पीपल्स कांग्रेस, है ना, ऐसे ही है, ठीक है। अभी सिंबल देखो कौन सा मिलता है हमको जब इलेक्शन में उनका होगा ना, ठीक है। हाँ जी, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि स्प्लिट का मतलब क्या होता है, जब पार्टी में लोगों की आइडियोलॉजी मैच नहीं करती तो लोग अपनी अलग से पार्टी बना लेते हैं। ऐसे ही इस पार्टी को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक बनी बोल्शेविक और एक बनी मेंशेविक। अब आपने क्या याद रखना है, पार्टी की आगे स्प्लिट हुई, स्प्लिट में दो अलग अलग लीडर्स के नाम, बोल्शेविक का नाम लेनिन, लेनिन जो है उन्होंने उसको लीड किया, मेंशेविक करेंस्की। इन्हीं दोनों पार्टीज ने आगे जाकर रशिया में फिर से रिवोल्ट किया 1917 में, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कौन सा ईयर, 1905। हमने अभी तक कर रहे हैं कि 1905 से पहले क्या चेंजेस हुए या क्या सर्कमस्टेंसेस थे या क्या कॉजेस थे जिसके कारण रशिया के लोगों ने रेवोल्यूशन प्लान की। तो आई थिंक यहाँ तक आप प्रॉपर जो है वो पूरा क्वेश्चन लिख सकते हो, कॉजेस अलग अलग पॉइंट्स, या सेपरेट क्वेश्चन आता है देन यू कैन राइट, ठीक है। अब हमारा सेपरेट जो एक अलग से पार्ट है, दैट इज व्हाट डू यू नो अबाउट द रेवोल्यूशन, इसको भी रशियन रेवोल्यूशन ही कहते हैं, ठीक है। कौन से ईयर में हुआ था? 1905। ब्लडी संडे इसलिए कहते हैं क्योंकि संडे को हुआ था, इसलिए क्योंकि मैनी पीपल वर किल्ड एंड फर्स्ट टाइम रशिया के लोगों ने जार के अगेंस्ट जाकर रिवोल्ट किया था, इसीलिए शायद ये हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसा ही जैसे हमारी कंट्री में जलियांवाला बाग इंसिडेंट मसैकर कहते हैं, मैनी इनोसेंट पीपल वर किल्ड, तो इसीलिए रशिया की हिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रशियन रेवोल्यूशन भी कहते हैं और ब्लडी संडे इंसिडेंट भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब हमने इसको पूरा लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग याद रखना है, हमेशा याद रखना, जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन में इसको लिखोगे, पैराग्राफ में नहीं लिखोगे, पॉइंट्स में लिखना। हेडिंग्स अगर नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, आप लाइंस में भी लिख सकते हो, लेकिन लाइंस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक एक लाइन में आप लाइंस को प्रॉपर एक्सप्लेन करो, ठीक है। अगर इनके हेडिंग्स याद नहीं होते ना तो यू कैन राइट इन लाइंस। अब सबसे पहले हमेशा हिस्ट्री में क्या होता है, जब भी कोई मेन क्वेश्चन आता ना लॉन्ग क्वेश्चन का, इमीडिएटली वहां से स्टार्ट मत किया करो, थोड़ा उससे पहले, यानी कि 1905 से बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब होता है 1905 से पहले क्या था, सर्कमस्टांसेस। हमने सर्कमस्टांसेस पढ़े हैं ना, हमें वो आते हैं तो हम उसको थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं। हमें थोड़ा पहले ये बताना है कि ब्लडी संडे अगर इंसिडेंट हुआ तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ कॉजेस थे, कुछ रीजन थे। फर्स्ट लाइन में आप उनको एक्सप्लेन करोगे दैट इन रशिया बिफोर 1905, एक साल पहले ले लो 1904 का ईयर, द ईयर 1904 वॉज वर्स्ट फॉर द फार्मर्स बिकॉज ऑफ बैड हार्वेस्ट। बैड हार्वेस्ट का मतलब होता है क्लाइमेटिक चेंजेस, एंड बैड हार्वेस्ट वेदर कंडीशंस वर नॉट सुटेबल फॉर द फार्मर्स, सो फॉर दैट प्रोडक्शन वॉज नॉट प्रॉपर। प्रोडक्शन का मतलब होता है ग्रेन, वैसे देखा जाए 85% फार्मर्स थे, लेकिन वो एक पर्टिकुलर ईयर ऐसा था जिस पर्टिकुलर ईयर में फार्मर्स की प्रोडक्शन, ग्रेन प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाई। अब इकोनॉमिक कंडीशन हमेशा याद रखना, जब भी मार्केट में किसी चीज की कमी होती है ना उसका रेट बढ़ जाता है। एट प्रेजेंट अगर देखा जाए गोल्ड की कमी है हमारी कंट्री में तो गोल्ड का प्राइस हाई होगा, पेट्रोल की कमी है तो पेट्रोल का प्राइस हमेशा हाई होगा, जो चीज अवेलेबल है उसका प्राइस हमेशा कम होगा। तो 1904 में फार्मर्स को ये लगा कि उनकी प्रोडक्शन अगर प्रॉपर नहीं हो पा रही है तो बैड हार्वेस्ट के कारण कंट्री में शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन, फूड सप्लाई जो थी उसकी शॉर्टेज, ठीक है।
दो दो तरह से कंडीशंस याद रखनी है, एक तो ऑलरेडी वर्कर्स की सैलरीज बहुत कम थी और दूसरी तरफ जो फूड क्रॉप्स थी या फूड शॉर्टेज थी, जिसके कारण फार्मर्स की जो फैमिलीज थी दे वर डाइंग ऑफ स्टार्वेशन। ठीक है, अब ऐसे में जब फार्मर्स की फैमिलीज जो है वो प्रॉपर उनको खाना नहीं मिल रहा था, दूसरी तरफ गवर्नमेंट वॉज नॉट गिविंग फैसिलिटीज टू द पीपल, क्योंकि गवर्नमेंट मोनार्की थी, ऑटोक्रेटिक थी, आंसरेबल नहीं थी, और इसीलिए लोगों की तरफ, लोगों की फूड सिक्योरिटी की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। दिस वॉज द मेन रीजन। इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है जैसे इमीडिएट कहते हैं ना कि रेवोल्यूशन से इमीडिएट पहले क्या टाइम पीरियड था। ठीक है, ये मेन रीजन। अब जब वर्कर्स को प्रॉपर सैलरीज नहीं मिल रही है तो वर्कर्स क्या डिमांड करेंगे? हाई वेजेस। और यहीं से रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ कि धीरे धीरे वर्कर्स को ये लगा कि उनकी फैमिलीज को प्रॉपर जो है वो खाना देने के लिए उनको सैलरी चाहिए, सो दैट्स व्हाई दे डिमांडेड हाई सैलरीज। अब फैक्ट्री में सारे लेबर तो नहीं ना बोलेंगे, कुछ लेबर ही बोलते हैं, कुछ वर्कर्स ही बोलते हैं, और जो बोलते हैं तो फैक्ट्री क्या करती है, उनको ऑनर्स क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ऐसा ही आपने याद रखना है सेकेंड लाइन में, फिर आप याद रखोगे। अब आपने क्या याद रखना है, फैक्ट्री का नेम क्यूटिलोव आयरन वर्क्स। तो फैक्ट्री कौन सी थी जहां पे आयरन स्मेल्टिंग का काम होता था, आयरन का प्रॉपर जो है वहां पे, जिसे हम कहते हैं कि स्मेल्टिंग होती है, आयरन को स्मेल्ट करके आगे उसके जो है वो अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते हैं। तो उस फैक्ट्री का नाम क्या था, क्यूटिलोव आयरन वर्क्स फैक्ट्री। फैक्ट्री कौन सी सिटी में थी वो याद रखो, कौन सी सिटी में, सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, फैक्ट्री का नाम, उसके बाद सिटी का नाम, सेंट पीटर्सबर्ग। अब हुआ क्या, फोर मेंबर्स, कितने मेंबर्स को निकाला, फोर मेंबर्स वर डिसमिस फ्रॉम द जॉब। फोर मेंबर्स मतलब फोर लीडर्स, यानी कि एसोसिएशन जो थी, वर्कर्स की एसोसिएशन थी, जो फोर वर्कर्स थे दे डिमांडेड हाई वेजेस। उनकी मतलब डिमांड मेन क्या थी कि उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए, और ऑनर्स ने क्या किया, उन चारों को निकाल दिया, ताकि अगर उनको चारों को निकालेंगे तो बाकी अपने आप क्या हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनकी सोच गलत थी। ठीक है, उनको ये लगा कि चार को निकालेंगे लोग अपने आप चुप हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड, चार को निकाला, नेक्स्ट डे उनकी फैक्ट्री और उसकी आसपास की फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स थे वो चाहते थे कि उन चार वर्कर्स को क्या किया जाए, वापस ले लिया जाए। और साथ ही उन्होंने अपनी और भी कितनी डिमांड्स रख दी, और सिर्फ वर्कर्स ही नहीं बल्कि रशिया में और भी लोग, कुछ फार्मर्स थे या कुछ प्रोफेशनल्स थे, वो भी साथ में जुड़ गए। अब उनकी लड़ाई उस इंडस्ट्री से नहीं थी, अब उनकी लड़ाई किन से थी, किंग के अगेंस्ट। किंग का पैलेस कहाँ पे था, किंग के पैलेस का नाम क्या था, विंटर पैलेस। अब लोगों ने क्या किया, दे डिसाइडेड मोर देन 110,000 वर्कर्स, यानी कि चार को सपोर्ट करने के लिए अगले ही दिन, जैसे आपने देखा ना फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए कितने लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए थे, तो एक ही दिन में कितने वर्कर्स इकट्ठे हो गए। एंड दे डिमांडेड, उनकी डिमांड जो थी, बेटर वर्किंग आवर्स, कि उनके वर्किंग आवर्स जो है वो बेटर हो, और वेजेस जो है वो हाई हो, प्लस उन्होंने क्या किया, दे वांटेड टू चेंज द किंग एंड दे डिमांडेड डेमोक्रेसी। बच्चे आवाज नहीं आया ना, प्लीज डिसर्बेंस। इसी के साथ साथ और भी लोगों ने क्या किया, मोनार्की या ऑटोक्रेटिक सिस्टम को चेंज करने के लिए उन्होंने कहा कि अगर कंट्री में कुछ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो तो ऑटोमेटिकली लोगों की डिमांड जो है वो मानी जाएंगी। दे डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने ये कहा कि कंट्री को क्या मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन मिलना चाहिए, प्लस एज वेल एज कंट्री में क्या होने चाहिए, लोगों को क्या मिले, इलेक्शंस के राइट्स, राइट टू वोट मिलना चाहिए। तो आप ये सोचो कि एक ही दिन में लोगों ने कितना इकट्ठा, मतलब ये इसको कहते हैं पीपल्स पावर्स, लोगों की पावर जो, ठीक है। और इनके प्रोफेशन जो, इनका प्रोसेशन था, सॉरी, इनको लीड किसने किया, लीडर का नेम फादर गैपो, GAPON। अब फादर गैपो मीन्स, आप ये देखो कि वो जो इनके लीड जिन्होंने किया वो फार्मर नहीं थे, ना ही वो वर्कर थे, और ना ही वो प्रोफेशनल थे। ही बिलोंग टू विच सोसाइटी, कौन सी पार्ट, चर्च पीपल। सेम यही आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा था, वहां पे कौन थे लीडर उनके, मिराबियू एंड एबेस। वहां पे एबेस ये चर्च फैमिली से बिलोंग करते थे, यहाँ पे फादर गैपो ने इनको सपोर्ट किया क्योंकि किंग फादर गैपो की बात मानते थे। तो लोगों को ये लगा कि अगर ये हमें लीड करेंगे, हमारी प्रॉब्लम्स को किंग के सामने रखेंगे, तो किंग शायद हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और शायद जो भी इनकी डिमांड्स हैं उनको फुलफिल कर लिया जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट डे व्हेन ऑल द पीपल दे गैदर नियर द विंटर पैलेस, दे वर अटैक्ड बाय द पुलिस एंड मैनी पीपल वर किल्ड एंड मैनी वर इंजर्ड, एंड दैट्स वाई द डे वॉज रिगार्डेड एज द ब्लडी संडे इंसिडेंट।
और जब कंट्री में इस तरह से कंडीशन आई, वायलेंट कंडीशन हो गई, तो बाकी लोग और जो थे वो भी किंग के अगेंस्ट हो गए। अब ऐसे टाइम पीरियड में किंग के जो नॉबल्स थे या किंग के मिनिस्टर्स थे, उन्होंने किंग को एडवाइज किया कि लोगों को पैसिफाई किया जाए, लोगों को शांत किया जाए, अदरवाइज अगर नहीं किया जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि जो फ्रांस में हुआ था बेस्टाइल को डिमोलिश कर दिया, कहीं ऐसा ना हो रशिया में किसको डिमोलिश कर दे, विंटर पैलेस। अब किंग ने क्या किया, सबसे पहले लोगों की डिमांड्स को पूरा करने के लिए पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, एक इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाने की परमिशन दी, और इस पार्लियामेंट का नाम किंग ने क्या सजेस्ट किया, क्या रखा जाए, ड्यूमा, DUMA, इसकी फुल फॉर्म नहीं है, दैट वाज द नेम ऑफ द रशियन पार्लियामेंट, रशियन पार्लियामेंट का नाम ड्यूमा। अब किंग ने लोगों के नॉबल्स के साथ मिलकर पार्लियामेंट बनाने की परमिशन तो दे दी, पार्लियामेंट भी बन गई, लेकिन आपको पता है फर्स्ट टाइम जो पार्लियामेंट बनी दैट वॉज फुली सपोर्टेड बाय द लिबरल्स, रेडिकल्स एंड डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट, जो कि किंग की बात से एग्री नहीं होते, ठीक है। तो किंग को ये लगा कि दैट वाज अ मेजर इंसल्ट, उसकी इंसल्ट थी, अब किंग कुछ भी कहेगा तो पार्लियामेंट कभी भी उनकी बात नहीं मानेगी। तो किंग ने क्या किया, विद इन 75 डेज, यानी कि ब्लडी संडे इंसिडेंट के बाद जब पार्लियामेंट बनी, पार्लियामेंट जब बन गई, पार्लियामेंट के बनने के बाद 75 डेज के बाद, ये फिगर आपने याद रखनी है कि फर्स्ट पार्लियामेंट, फर्स्ट ड्यूमा वॉज डिसमिस, डिसमिस का मतलब डिसॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया, विद इन 75 डेज के अंदर अंदर पहली ड्यूमा को खत्म कर दिया, और विद इन थ्री मंथ्स सेकेंड ड्यूमा बना दी, सेकेंड ड्यूमा बनी, सेकेंड ड्यूमा में फिर से कुछ लिबरल थे, कुछ रेडिकल थे, कंजर्वेटिव्स कम थे, किंग को फिर लगा कि अब ये पार्लियामेंट जो है ये भी पार्लियामेंट उसके हाथ में पपेट पार्लियामेंट नहीं है, देन अगेन डिसॉल्व, सेकेंड टाइम उसने क्या किया, फिर से डिसॉल्व कर दी। थर्ड टाइम जो ड्यूमा बनाई, इसमें वो मेंबर्स थे जो सारे कौन से थे, कंजर्वेटिव्स, तो क्या फायदा हुआ, यानी कि किंग ने पार्लियामेंट बनाई भी, लोगों को पैसिफाई भी कर दिया, और इन बिटवीन कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की भी परमिशन दे दी, लोगों को पैसिफाई भी किया गया, पर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कंट्री के हालात वैसे नॉर्मल नहीं हुए, क्योंकि विद इन 1905 के बाद कंट्री और पूरा वर्ल्ड जो है वो किसके लिए प्रिपेयर हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको आएगा ब्लडी संडे इंसिडेंट, यहां तक आपने बताना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले का टाइम पीरियड। अब हमने फिर से कौन कौन से इसमें पॉइंट्स याद रखने, जब आप पूरा लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट 1905 जो ब्लडी संडे इंसिडेंट है, इसमें सबसे पहले आपने बताने हैं कॉजेस, कंट्री की कंडीशन क्या थी, नंबर वन आपने बताना है द कंडीशन ऑफ रशिया वॉज वेरी ग्रिम, ग्रिम का मतलब होता है द ईयर ऑफ 1904 वॉज विद अ बैड पीपल दे फेस बैड हार्वेस्ट एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस वर नॉट प्रॉपर, फूड शॉर्टेज वॉज देयर, नो फूड सिक्योरिटी वॉज गिवन टू द पीपल बाय द किंग, एंड पीपल दे वर नॉट, एंड बिकॉज किंग वॉज नॉट आंसरेबल टू द पीपल, और किंग ने किसी भी तरह से लोगों को सेटिस्फाई नहीं किया। पहले थोड़ा सा बता दो कि कॉजेज, सेकेंड फिर आपने बताना है मेन मेन इवेंट क्या है, मेन इवेंट क्या है इसमें, फैक्ट्री, फैक्ट्री का नाम यूटिलॉग आयरन वर्क्स फैक्ट्री, सिटी का नाम सेंट पीटर्सबर्ग, कितने मेंबर्स को निकाला, 4 मेंबर्स, व्हाई, बिकॉज़ दे डिमांडेड हाई वेजेस एंड लेस वर्किंग आवर्स, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा थे, उन्होंने कहा कि वर्किंग आवर्स को रिड्यूस किया जाए, ये हो गई मेन इवेंट। थर्ड में फिर आपने मेन जो है वो लीडर का नेम, लीडर कौन थे इनके प्रोफेशन के, फादर गैपू, कहाँ पे गए, कहाँ पे इकट्ठे हुए, किंग का पैलेस, पैलेस का नाम विंटर पैलेस, रूलर का नाम जरूर लिखना है इसमें, जार निकोलस सेकंड का विंटर पैलेस, दे गैदर देयर, व्हाट, वहां पे क्या हुआ, दे वर अटैक्ड बाय द पुलिस, दे गॉट इंजर्ड, मैनी वर किल्ड, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जो इंसिडेंट था ये रॉयट्स में कन्वर्ट हो गया, एंड डे आफ्टर टुमारो, या हम ये कह सकते हैं कि डे बाय डे रशिया की कंडीशन, सेंट पीटर्सबर्ग की कंडीशन जो है वो और ज्यादा वर्स्ट होती, ठीक है, एंड दिस इंसिडेंट इज नोन एज ब्लडी संडे। उसके बाद फोर्थ हमने ये बताना है कि अब लोगों के आसपास के एरियाज में लोगों की डिमांड्स, इसके साथ और ज्यादा डिमांड जुड़ गई, वर्किंग आवर्स के अलावा लोगों ने क्या डिमांड शुरू कर दिया, इलेक्शंस होने चाहिए, पार्लियामेंट होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो ये सारी डिमांड्स भी साथ साथ जुड़ गई, और किंग ने इनको पैसिफाई करने के लिए लास्ट में आपको बताओगे दैट ही गेव परमिशन टू फॉर्म पार्लियामेंट, एंड द नेम गिवन टू दिस पार्लियामेंट वॉज ड्यूमा। फिफ्थ पॉइंट में ही आपने बता देना व्हाट, दिस ड्यूमा वॉज डिसमिस्ड विद इन
75 डेज बिकॉज इस ड्यूमा में क्या थे, सम वर लिबरल सम वर रेडिकल्स सम सपोर्टेड डेमोक्रेसी एंड किंग जो था ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी सो दैट्स वाई ही डिसॉल्व इवन आफ्टर बिकमिंग सेकेंड ड्यूमा ही अगेन डिसॉल्व द पार्लियामेंट 3 months के बाद उसने फिर से डिसॉल्व कर दिया एंड आफ्टर दैट ही पैक्ड ऑल द कंजर्वेटिव्स इन द पार्लियामेंट एंड दिस ड्यूमा वॉज अ पपेट पार्लियामेंट इन द हैंड्स ऑफ किंग तो किंग यही चाहता था लेकिन अल्टीमेटली इसके बाद द कंडीशन ऑफ रशियन पीपल वॉज नॉट इम्प्रूव बिकॉज नाउ कंट्री वॉज प्रिपेयर्ड फॉर फर्स्ट क्लियर ठीक है एनी डाउट पीछे इन्होंने हेड डाउन किया हुआ बच्चे सिर्फ पर्पल एनी डाउट लक्ष्य तनेजा एंड ख्वाहिश क्लियर अब हम नेक्स्ट करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमेशा याद मैंने अभी आपको क्या बताया कि हिस्ट्री में जब भी हम लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं ना बेटा तो लॉन्ग क्वेश्चन से पहले उससे पहले का आपने थोड़ा सा बताना है टाइम पीरियड कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पुट इम्पैक्ट ऑन रशियन पीपल कि इसका जो था इम्पैक्ट क्या पड़ा और इसको हमेशा टाइमलाइन के अकॉर्डिंग याद करना है किसी भी कंट्री का रेवोल्यूशन जब भी आप पढ़ते हो या कोई भी आप टाइम पीरियड पढ़ते हो तो याद रखो हमने 1905 का ईयर कवर कर लिया ये था रेवोल्यूशन रशिया में पहली बार रेवोल्यूशन आया उसके बाद हमने ये टाइम पीरियड पढ़ना है 1914 टू 1918 ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड है लेकिन अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं हुई थी कंट्री में फिर से रेवोल्यूशन आया कौन से ईयर में यहां से ईयर हमने उठाना है 1917 में दो रेवोल्यूशन हुए एक हुआ फरवरी में और एक हुआ अक्टूबर फरवरी का रेवोल्यूशन कौन लेकर आए करेंस्की मेंशेविक पार्टी के लीडर और अक्टूबर का रेवोल्यूशन कौन लेकर आए लेनिन लेनिन कौन सी पार्टी के थे बोल्शेविक तो आपके क्वेश्चन कितने हो गए नंबर वन इससे पहले पॉजेस ठीक है सेकेंड ब्लडी संडे थर्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्योंकि आपने ये पढ़ना है कि रेवोल्यूशन से पहले यानी कि 1917 से पहले ठीक है टाइम पीरियड रशिया में क्या चल रहा था उसके बाद ये जो है ये दो क्वेश्चन बनेंगे एक बनेगा फरवरी रेवोल्यूशन एक बनेगा अक्टूबर रेवोल्यूशन कहीं ना कहीं जब हम फरवरी रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे यहाँ पे हम पढ़ेंगे किसकी पॉलिसी करेंस्की जो इससे रिलेटेड है और यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे लेनिन ठीक है लेनिन ने रशिया को बहुत ज्यादा हाइट पे पहुंचाया लेकिन लेनिन की डेथ के बाद कौन आए स्टालिन तो ये हमारा पूरा चैप्टर है पहले चैप्टर की आउटलाइन याद रखो कॉजेस से स्टार्ट किया ब्लडी संडे इंसिडेंट उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड अभी हमने ये कवर करना पहले हम इसको कवर करें ठीक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड हमेशा याद रखना है जब भी आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पूछा जाए आपको कंट्रीज का पता होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन सी कंट्रीज थी स्टार्ट ही आपने वहां से करना है दैट फर्स्ट वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर का मतलब क्या होता है व्हेन वर्ल्ड वॉज बिजी इन द वॉर एंड होल ऑफ द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स पार्ट्स पार्ट्स को याद करने के लिए हमेशा कंट्रीज के फर्स्ट लेटर्स याद करो ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए क्योंकि ये फर्स्ट वन मार्क क्वेश्चन में आ सकता है ठीक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक तरफ था ब्रिटेन फ्रांस एंड रशिया जिन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और दूसरी तरफ कौन सी थी जर्मनी हंगरी ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया नहीं करना ऑस्ट्रिया एंड टर्की टर्की मतलब ऑटोमन एम्पायर आता है इसमें मुस्लिम्स ये एम्पायर जो है वो मुस्लिम्स का एम्पायर टर्की ठीक है तो ये सारी कंट्रीज जो थी ठीक है विनर कंट्रीज कौन सी थी ब्रिटेन फ्रांस एंड रशिया और लूजर कंट्रीज जर्मनी हंगरी ऑस्ट्रिया एंड टर्की हमने एक फ्रांस के बारे में पढ़ा है वो विनर कंट्री वो पढ़ चुके हैं हम एक हमने विनर कंट्री रशिया का पढ़ रहे हैं और एक हमने हिटलर की कौन सी पढ़ी थी जर्मनी
कि एक हारी हुई कंट्री क्या क्या हाल हुआ है ना, जो हमने हिटलर के चैप्टर में पढ़ा। तो अब हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो क्वेश्चन है, हमने यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट कवर करेगा जिसमें आपने सारा डिटेल में बताना है, दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फॉट इन 1914 एंड एंडेड इन 1918। द कंट्रीज वर इन्वॉल्वड इन दिस, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया एंड 1914 स्टार्ट हुई थी 1914 और एंड हुई 1918। ठीक है, इसके बाद आपने विनर कंट्रीज याद रखनी है, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इनको, इन कंट्रीज को अलाइड कहा जाता है। अलाइड का मतलब अलायंस बनाई, इनको कहा गया सेंट्रल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी मेनली यही कंट्रीज थी, लेकिन उसमें यहाँ पे नेम चेंज हो जाएंगे, वो हम बाद में करेंगे, पहले इतना याद रखो अलाइड वर्सेस सेंट्रल। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हेडिंग हो गया आपका। फर्स्ट हेडिंग में अगर हेडिंग में नहीं आता तो लाइंस में इतना बता दूंगी। अब आपने सेकेंड पॉइंट में याद रखना है दैट आफ्टर 1905 व्हेन ड्यूमा व्हेन पार्लियामेंट वॉज फॉर्म, दैट वॉज द ओनली पपेट पार्लियामेंट, बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम Tsar Nicholas II, he never consulted Duma. President जो है वो president हमारी country के जो है वो लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा पास किया गया बिल जो होता है उस पर साइन करते हैं तो ही हमारी कंट्री में क्या बनता है, लॉ बनता है। लेकिन ड्यूमा जो बनी वो ड्यूमा सिर्फ क्या थी, पपेट पार्लियामेंट थी, जो किंग कहता था ड्यूमा उसे कोई मानती थी, और रशिया को बिना लोगों से पूछे बिना ड्यूमा की कंसल्टेशन के एक वॉर स्टेट डिक्लेयर कर दी। यानी कि कंट्री के लोगों को पूछा भी नहीं गया कि वो वॉर के लिए प्रिपेयर है या नहीं, बल्कि ज़ार निकोलस सेकंड ने क्या किया, ब्रिटेन और फ्रांस को सपोर्ट करने के लिए रशिया को इनके साथ ग्रुपिंग कर ली। ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, वॉर स्टेट डिक्लेयर कर दी। अब जब कंट्री एक वॉर स्टेट बन जाती है तो खुद ही सोचो, सपोज किसी कंट्री पे अटैक हो रहा है, कंट्री पे अटैक कर रही है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में गवर्नमेंट की सारी अटेंशन किस पे होगी, आर्मी पे और वॉर रिलेटेड गुड्स। तो सेकेंड पॉइंट यहीं से शुरू हो जाएगा, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द कंसंट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट वॉज ओनली टू प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड गुड्स। अब वॉर रिलेटेड गुड्स कौन सी होती है, अपने पॉइंट बन जाएगा आपका। वॉर में सोल्जर्स को क्या क्या चाहिए होता है, वो जो मर्जी लिखो उसमें, हाँ जी, वेपन्स, यूनिफॉर्म, शूज, ठीक है, आर बैंड्स होते हैं जो, हाँ, बुलेट्स, बैग्स, टेंट्स, या जो भी उस टाइम पीरियड में आर्मी को चाहिए होता है, मेडिसिंस, ठीक है। एट दैट टाइम द मेन कंसंट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट वॉज टू प्रोड्यूस ओनली वॉर रिलेटेड गुड्स। अब वॉर रिलेटेड गुड्स में आपने सारा बता दिया कि कौन कौन सी थी, एंड इवन द कंसंट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट वॉज टू फीड द आर्मी। लोग सोल्जर्स को पहले, गवर्नमेंट सोल्जर को पहले फीड करेगी या लोगों को देगी, कॉमन लोगों को देगी, ऑब्वियसली टू सोल्जर्स, क्योंकि उन्होंने बॉर्डर एरियाज को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। ये आपने सारा बता देना सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अब हम एक तरफ अगर वॉर रिलेटेड गुड्स बन रही थी तो दूसरी तरफ लॉस किसको होगा, इंडस्ट्रीज एंड फार्मर्स, बाकी हम कल करेंगे।